एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजधानी दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने जीत का सहरा बांधने की उम्मीद से तैयारियां कर ली हैं। प्रत्याशी अनुभव धीर वार्ड 15 आदर्श नगर विधानसभा बीजेपी कार्यालय आदर्श नगर विधानसभा के अंदर ओपनिंग किया गया, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन और जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया और बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजनीतिक पार्टियों के लगभग सभी प्रत्याशी अनुभव धीर वार्ड 15 इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अनुभव धीर प्रत्याशी ने भी अपने समर्थकों के साथ ऑफिस ओपनिंग पर पहुंचे, जहां उन्होंने जोश खरोश के साथ फूल माला के साथ स्वागत किया। उनके कार्यकर्ताओं में खासी अरे यार क्या स्क्रिप्ट लिखी है, इलेक्शन की तैयारी क्या है? पहले तो सभी को नमस्कार। और मनोज जी, आपने कहा कि आज आपका ऑफिस खुल गया है, तो मैं कहता हूँ ये मेरा ऑफिस नहीं है, जनता का कार्यालय है। ये जनता के आशीर्वाद से खड़ा किया गया कार्यालय है और जनता के लिए कार्यालय है। चुनाव के बाद इससे भी बड़ा कार्यालय खोला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आने वाली 5 तारीख के लिए उस कार्यालय के कार्यकारी को निर्माण कर रहा है, उस कार्यालय का निर्माण कर रहा है। और कुछ ही दिनों में आपको ऐसा अनुभव आएगा कि अनुभव भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला रहा है और जनता का आशीर्वाद उसे पूर्ण रूप से मिल रहा है। और मैं जनता के चरणों में भी निवेदन करना चाहता हूं कि रण सज चुका है, रणनीति जनता की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। मेरा सभी से विनम्र निवेदन, मुझ पर आशीर्वाद दें, भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन को दबाएं और मुझे आदर्श नगर से विजय बनाएं। अनुभव जी, आदर्श नगर की बात करी जाए, इस मार्केट में क्या क्या समस्या है, उस समस्या को लेकर किस तरह से जगह जीत करा रहे हैं, तो उनको किस तरह से लेकर आएंगे आप? देखिए, आदर्श नगर क्षेत्र की समस्याओं में प्रमुखता जो दिल्ली की भी समस्या है, पार्किंग। मैं पहले दिन से इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं इस क्षेत्र में, मेरा जन्म हुआ है यहाँ पर। पार्किंग की समस्या आज की डेट में बहुत खराब हो चुकी है। मुख्य मार्गों पर रास्ते नहीं हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए रास्ते नहीं बचे हैं। दूसरी, इस क्षेत्र में कंक्रीट, मिट्टी, सब चीज़ों की बहुत भरमार हो चुकी है। पीछे का क्षेत्र कंक्रीटिंग के कारण आदर्श नगर में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। मैं उसके लिए भी कार्य करना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट पार्क का निर्माण करना चाहता हूँ। देखिए जी, कोई भी समस्या, हम जो भी चुनाव जीतता है, मैं जीतूँ या कोई और पहले जीते हुए हैं, जो समस्या है उस क्षेत्र के नागरिक ने अपना नेतृत्व मानते हुए उसको, उस समस्या के लिए, निवारण के लिए चुना। हम शिफ्टिंग ऑफ शोल्डर्स नहीं कर सकते, ये मेरी समस्या नहीं है, ये केंद्र की समस्या है, ये स्टेट की समस्या है। क्षेत्र की सभी समस्याएं मेरी समस्या है और उसका निवारण करना, उसकी रेमेडी ढूंढना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जनता मुझे वोट से चुनकर ये जिम्मेदारी ही देने वाली है और इस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से आपसे विश्वास दिलाता हूँ, निराकरण किया जाएगा और सारे सॉल्यूशंस को ढूंढा जाएगा। मुझे क्या कोई ये पहली कोई नई फर्स्ट खबर तो है नहीं भाई, पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार हर क्षेत्र में किस प्रकार से झूठ बोलती है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करती है, और वो चीज़ें तो जब जाहिर हो चुकी हैं, सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता चुकी है। दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नया नहीं है, ये भी एक उस श्रृंखला के अंदर एक और वीडियो ऐड हो गया, और इससे ज्यादा क्या है? सर, जो ये स्वास्थ्य के नल नहीं बना, इस पे क्या कहना? इस पे क्या कहना भाई, उनका किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ सिवाय झूठी बात, झूठे नारे और केवल झूठी पब्लिसिटी के अलावा, और कोई दूसरा काम नहीं करता।